एक्चुअली मैं कल ही इसे ऑर्डर किया था, रिफर्बिश्ड लैपटॉप है। इसलिए स्टूडेंट के लिए अच्छा रहता है, एक बजट में और एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाता है। कई बार मैंने यूट्यूब में देखा था लोग जिसमें बताते हैं ना यहाँ पे इतने सस्ता है, तो कई बार वो असेंबल्ड होता है, थोड़ा क्वालिटी में भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वारंटी का भी इशूज़ रहता है। तो मैं अमेजन से ऑर्डर किया था जो मुझे अप्रॉक्स 20,000 पड़ा है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो थोड़ा सस्ता हुआ, बट अभी ऑफर नहीं था तो मुझे ज़्यादा नहीं मिला। बट एक चीज़ मैं देखा मुझे अच्छा लगा, जैसे ना पैकिंग इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना ये पर्सनली मेंशन कर दे रहे हैं ना कि ये लैपटॉप है तो हैंडल विद केयर करेंगे जो ड्यू कुरियर पार्टनर है। वैसे अनबॉक्स करता हूँ जल्दी। सो सॉरी, ऐसे इसमें नॉइस कैंसलेशन मेरा थोड़ा वर्किंग नहीं है, तो थोड़ा सा शायद इश्यूज हो सकता है। अनबिल करूंगा मैं लिस्ट। ठीक है, सबसे अनबिल कर लेता हूँ। मैंने एक चीज़, हाँ ये अच्छे पैकिंग में काफ़ी, मैं जैसे सुबह शॉपिंग कर रहा हूँ। अच्छा, उसका चार्जर हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, ये रिफर्बिश्ड मैं ऑर्डर किया था, मैं फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट मैं खरीदने के बारे में बहुत यूट्यूब में देखता था, बट ऐसा कुछ खास मुझे नहीं मिला रिव्यू, तो मुझे लगा मैं ऐसे चार्जर क्वालिटी तो थोड़ा ऑर्डिनरी मुझे लग रहा है, किसी कंपनी का इसे मेंशन नहीं है। देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट एडाप्टर पार्ट देखते हैं इसका। एडाप्टर देखते हैं, ये शायद ऑफ कोर्स मेड इन चाइना, 65 वॉट का है। और ये मुझे ऑर्डिनरी लग रहा है, जिसमें डेल का क्या होता है, ये डेल का ब्रांड का नहीं, इसमें ब्रांड लोगो तो नहीं है। बेटा ये 6 मंथ्स का वारंटी कवर करेगी नहीं, आओ मैं देखता हूँ। हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, जैसे इसका पैकिंग, ये एयर बैग जो इन्होंने यूज़ किया है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव आप देख सकते हैं। ये अच्छा, ये एयर बैग है ना, ये काफ़ी प्रोटेक्ट होते हैं लैपटॉप को। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे कंडीशन में, ऑल्दो ये रिफर्बिश्ड है, मैं ऐसा कुछ स्क्रैच या ऐसा कुछ तो नहीं देख पा रहा। तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में, लाइट भी है, लाइट वेट टाइप में है। कॉन्फ़िगरेशन भी जैसे मैं देख रहा हूँ, इधर पीछे पीछे भी पोर्ट है और चार्जिंग जैक बैक साइड है। और नीचे भी ठीक। हाँ, मैं ये जस्ट बताना चाह रहा था, 8 GB रैम है इसमें और 256 SSD है, तो प्रोसेसर काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये i5 है और i5 का आई गेस 6th जनरेशन है, बट हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे। जस्ट मैं अनपैक किया तो मुझे काफ़ी अच्छे कंडीशन में लगा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ पैकिंग भी काफ़ी अच्छा था, इम्प्रेसिव था। मैं आगे इसे ऑपन करके देखता हूँ। सॉरी थोड़ा मुझे टैक्स इनवॉइस है जो मुझे रफली 9,539 मुझे पड़ा, इंक्लूडिंग GST। और इसमें आप देख सकते हैं, एक 8 GB रैम है, 256 SSD, i5 6th जनरेशन। तो ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लगा डिलीवरी में, ऑल्डो ये रिमोट एरिया में मैं ऑर्डर दिया था। तो मैं जैसे अभी इंटरनल में रिव्यू करूँगा, तो जिसमें देख पा रहा हूँ काफ़ी कंडीशन में है, विंडोज़ 10 है और i5, और कीज़ भी काफ़ी गुड कंडीशन में है, और स्क्रीन स्क्रीन कहीं कुछ ऐसा स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। अच्छा, रिफर्बिश का ज़्यादा मैं देखता हूँ यूट्यूब में भी रहता नहीं है रिव्यू, तो मुझे लगा शायद इसका एक मैं ऑर्डर किया तो उसे रिव्यू करना चाहिए था। काफ़ी मुझे कमेंट्स में मिला था सेक्शन में। ओके, मैं इसे ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं उसमें क्या चार्जिंग परसेंटेज है, और आगे मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मैं जस्ट अभी अडेप्टर को मैं जस्ट कनेक्ट किया हूँ, मैं देख पा रहा हूँ जिसमें कंपनी का लोगो नहीं है, और मुझे लगता है ऑर्डिनरी है या डेल का तो मैं देख रहा हूँ, बट कोई लोगो नहीं है, जस्ट इस साइड होता है। और मुझे वायर भी थोड़ा ऑर्डिनरी लग रहा है, बट एनी हाउ मैं देखता हूँ आगे। जैसे चार्जिंग पोर्ट से मैं कनेक्ट करता हूँ जस्ट, और मैं देख कोशिश करूँगा किसी बल्ब, यस चार्जिंग ब्लिंक हो रहा है तो सही है, इनका चार्जिंग कंडीशन है।
जैसे इसे ओपन करता हूँ, जैसे एक बल्ब निकल रहा है जिसमें सिंगल में इसे ऑन करूँगा। ओके, कीबोर्ड लाइट्स भी है, ये तो अच्छा है, इट्स गुड, अच्छे कंडीशन है। मुझे लगता है एक स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक है, बजट में लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है। i5 है, 6th जनरेशन, रैम भी ठीक है और SSD है तो काफ़ी फास्ट हो जाता है, कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र रिलेटेड अच्छा स्पीड मिलता है। तो मुझे इधर साइन इन और कुछ प्रोसेस करना होगा रजिस्ट्रेशन, तो मैं कंप्लीट करके फिर मैं आगे करता हूँ प्रोसेस। सॉरी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन पार्ट था, मुझे इसका थोड़ा हाइट करना पड़ा, तभी जस्ट मैं इसमें अपना जो ऑनर का नेम मैं डाला और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मे भी शायद फर्दर रजिस्ट्रेशन में मुझे यही हेल्प करेगा, तो मैं एक वजह से मेरे प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो प्रोसेस ठीक है, मतलब काफ़ी स्मूथ मुझे लग रहा है। उसके अंदर जैसे देख सकते हैं इंटरनल भी ठीक स्पेस मिल जाता है और स्क्रीन, अगर मैं पर्सनल स्क्रीन को दिखाऊँ तो स्क्रीन रेजोल्यूशन भी काफ़ी इंप्रेसिव है, बहुत भी नहीं पर अच्छा है। एवरी फॉर इसमें अगर आप यही आप नॉर्मल लेते तो मुझे लगता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता, लेकिन मुझे एक जनरल यूज़ के लिए स्टूडेंट बजट में चाहिए था तो लगता है ये कंपेटेबल ठीक है। थोड़ा सा इंटरनल फीचर्स इसमें देखेंगे, जस्ट एज इट इज़ है, जैसे मैं कहा था विंडोज़ 10 है, 8GB रैम और विंडोज़ 10 प्रो है, तो आई होप सब अच्छा होगा। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। और मैं एक चीज़ इसमें नोटिस किया ना, इसका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है, जैसे यूजुअली जैसे मैं i3 यूज़ किया था उसका 10th जनरेशन तो काफ़ी टाइम लगता है वो मैं ऑन ऑफ करता हूँ ना, कंपेटिवली ये अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बहुत कम टाइम लेता है स्टार्ट और ऑन ऑफ होने में, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। तो अब आई जितना एडवांस में जाते हैं ना तो ऑब्वियस आपको फीचर्स भी और प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिलता है। और अभी तो जिसमें चार्जर कनेक्ट किया था तो 16% बैटरी था, तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में ज़्यादा वो चार्ज नहीं करते हैं, बट मैं इनफैक्ट मैं ये था जो मुझे बहुत सबसे अच्छा मुझे ना ये लगा जिसका जो पैकिंग था एयर बैग बहुत अच्छा था, बहुत इंप्रेसिव था, सबको डैमेज होने से बचाता है। और इन बॉक्स में तो जस्ट मुझे चार्जर मिला, अडैप्टर लैपटॉप जस्ट ये जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में, मुझे लगता है ये अच्छा लुक है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसे मैं लेके ट्रैवल भी कंफर्टेबली कर सकता हूँ। अब बेस्ट पार्ट होता है समहाउ अगर कुछ अभी वारंटी में भी 6 मंथ्स का वारंटी अमेज़न इसे कवर करती है, ठीक है तो मैं इसे यूज़ करता हूँ और मैं फिर कुछ मंथ्स बाद इसका एक कंप्लीट रिव्यू दूंगा इसका वर्किंग परफॉर्मेंस सबको लेके। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स, थैंक यू।